हादसा हुआ है। एनएमडीसी के एसपी 3 प्रोजेक्ट में भूस्खलन हुई है जिसमें 4 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है और 2 मजदूरों के शव को निकाल लिया गया है। वहीं 2 मजदूरों को निकालने की अभी कोशिश और की जा रही है। दरअसल हादसे के बाद यहां हड़कंप मच गया। वहीं दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर और यहां पर चट्टान धस गई जिसकी वजह से कई मजदूर के दबे होने की भी खबर है। हादसे के बाद हड़कंप सा मच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है और कोई भी अगर वहां पर दबा है तो उसे जल्दी से निकालने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। और रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा की घटना पर शोक प्रकट किया और दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई गई है। चट्टान धंसने के घटना पर दुख जताया है सीएम ने। सोशल मीडिया पर लिखा कि दंतेवाड़ा के किरंदुल स्थित एनएमडीसी के एसपी 3 प्लांट में चट्टान धंसने की दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है और इस दुर्घटना में मजदूर भाइयों के देहावसान की अप्रिय सूचना मिली। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं और गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो मजदूर खदान में फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है और जल्द ही उनको भी सकुशल निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इस पोस्ट के माध्यम से इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के प्रति संवेदना प्रकट की है। एमपी के 21 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3